आप लोग को ये देख के नजारा समझ में आ रहा होगा कि आज वर्किंग डे है, मंडे का दिन है, उसके बावजूद आज जिस हिसाब से जितने लोग हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं उनके समर्थन में, और ज्यादातर आपको देखने में लग रहे होंगे कि सब यंगस्टर ही हैं, तो यंगस्टर के लिए ये बहुत बहुत मजबूती का विषय है और हम लोग जेएमएम को इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। अपने परिचय दीजिए। मेरा नाम मुजाहिद मलिक, ओल्ड प्रेयर रोड नंबर 3 में रहते हैं। बाबूलाल सुरेन भैया जिंदाबाद, बाबूलाल सुरेन भैया जिंदाबाद। मैं सम्मान पूर्वक, मैं सुबह से यही सोचता हूँ कि कम से कम एक आदमी का सेवा हो तो आने वाला दिन के लिए अच्छा उसका गुजरेगा। तो मैं इतना संदेश देना चाहता हूँ कि आज का दिन बहुत दुख की बात है, जो छोटा से मैं पढ़ते आ रहा हूँ। आज का दिन कला दिवस है, जो कल हम लोग का 15 अगस्त मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस के रूप में, लेकिन आज जो कला दिवस जो हम लोग एक भाई से बिछड़ा, जो आज का दिन पाकिस्तान अलग हो, बहुत दुख की बात है। इसके साथ यही कहना चाहता हूँ कि आने वाला अब भविष्य है तो चले, आज संकल्प का दिन है कि पहले जो घटना 1947 को हुआ था वो कभी नहीं हो, और हम लोग जितना भी भारत देश में अनेक प्रकार के समाज है, भाषा है, हर एक किलोमीटर में झारखंड में शायद भाषा बोला जाता है, तो मैं चाहता हूँ सब कोई मिल करके आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ कर के संदेश देंगे। शायद चाहता होगा बाहरी साहब कि हम लोग एक नहीं है, जैसे पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ देख रहा हूँ कि हम लोग एक है, हर समाज के लोग इसी तरह रहे तब जाके हम लोग का भारत का उन्नति होगा और आगे बढ़ेगा। नेताजी, महासचिव की जिम्मेवारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और आप एक उपयुक्त पर्सन है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जिसको जिम्मेवारी मिली है, तो इसमें कुछ ऐसा काम जो आप महासचिव होते हुए पार्टी के लिए और युवाओं के लिए करेंगे वो क्या मन में विचार चल रहा है अभी? मन में विचार यही चल रहा है, सर्वप्रथम जो मैं एक कहना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन, आदरणीय करकरणीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो कहीं ना कहीं हमको अच्छा, शायद अच्छा काम किया है, इसीलिए तीसरा बार बनाया गया है, और बहुत बड़ी नहीं, मेरा कर्म क्षेत्र रहा, सब कोई कहीं पर भी प्रोग्राम होता है तो मैं शरीक होता हूँ, कहे फुटबॉल मैच हो या कोई क्रियाक्रम हो या शादी ब्याह हो, मैं पार्टिसिपेट देते आ रहा हूँ छोटा सी। और जब 2014 में हमको बनाया गया, प्रथम रेगोल में हम लोग का महाअधिवेशन झारखंड मुक्ति मोर्चा का हुआ, वहीं पर केंद्रीय सदस्य बन के डायरेक्ट प्रमोशन दिया गया, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता को, केंद्रीय समिति को, और मैं जो जिम्मा मिलेगा वो खाली बात ही जाता हूँ कि आने वाला दिन के लिए युवा लोगों को कैसे बढ़ाया जाए, उसीलिए युवा लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि दूसरा कोई पार्टी नहीं, बाहर का पार्टी आ जाएगा, वोट दे लेगा और चल जाएगा और पीछे नहीं मुड़ेगा। बाबूलाल सोरेन यहाँ पर रहेगा, यहीं पर मरेगा, यहीं पर मिटेगा, और आप लोगों का साथ में है, घबराने का नहीं है। यही संदेश के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाला पंचायत चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो या विधायक चुनाव हो, दूसरा कोई पार्टी विकल्प नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ टीवी में, आप लोग भी देख रहा है, जहाँ पर आपका बोला जाता है विकास का टेबल जो बनाया गया है, जो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब में यदि बच्चा जैसे हल्ला करता है उस तरह हल्ला करेगा तो बहुत दुख की बात है।
हम लोग चुन के भेजते हैं कि अच्छा काम करेगा, युवा लोगों का, युवाती लोगों का सम्मान करेगा, विकास होगा देश का। तो इसको सुधारने का समय आ गया है 2024 में। यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा संसद आप लोग बना के देंगे तो मेरा गारंटी है कि आप लोगों का हित का ही काम होगा और हम लोग का राज्य बढ़ेगा, हम लोग का देश बढ़ेगा। बाबूलाल सुरेन जिंदाबाद।